नमस्ते। हेलो, सत श्री अकाल जी। ओ माय गॉड, कहां से बोल रही हैं? हां पाजी, मैं कनाडा तो बोल रही हूं। आई वुड स्टॉप तो। अच्छा अच्छा। ओ माय गॉड, तुझे मैं लाइव ना ले, मैंने कितना साल हो गया ट्राई कर दी नु। अच्छा चलो, आज नंबर आ गया थोड़ा। तो पूछे क्या सवाल आपका? हां जी पाजी, मैं तो डिडाइड वैसे पहला फॉलो करती सीगी, तो हुन थोड़ा घट गया। मैं थोड़ा ओ सिक हो गई सी, सर्जरी हुई सी मेरी, फिर मेरे को हुई नहीं। हां जी, तो हुन मैं दोबारा शुरू कर रही हां। अच्छा, पर मैं स्मूथी लेंदी सी कि सवेरे तो ओ ना पता नहीं चाय तो बगैर ना चैन नहीं आंदा जी। नहीं, चाय ले सकते हो, बट मेक श्योर कि जो पहली डाइट है ना आपका फ्रूट होना चाहिए। पानी पी लो, फ्रूट ले लो, उसके बाद आप बेशक चाय ले लो। अगर खाली पेट चाय पियोगे तो वो फिर प्रॉब्लम करता है। हां जी, मैं वैसे पहले कोई फ्रूट डाल ले अपने पेट में। हां जी, मैं सवेरे उठ के कोलाजिन पीनी हां। सैलड ना लंच ते डिनर विच लेना, जदो रोटी चावल कुछ भी खाने हो तो नाल सैलड लेना, थोड़ा जे ज्यादा भी नहीं खाना, तो एक कटोरी एक बाउल खाना तुसी सैलड ते एहे आ होली होली। बाकी ना जो बंदा पहली बार कोई चीज खांदा वा ज्यादा ते बॉडी थोड़ा रिएक्ट करती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन होली होली तुसी कंटिन्यू करोगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तो बॉडी नू आदत पै जांदी है, फिर बॉडी फिर एडजस्ट कर लेंदी अपने आप। आपको अपनी बॉडी को खुद समझना, जब आपको प्यास लगे तब आपने पानी पीना। अब जो फ्रूट्स और सैलड्स है 70-80% पानी इनमें भी होता है, ठीक है? तो अपनी बॉडी को खुद ही समझ, जब आपको भूख लगी तब आपने खाना है, जब प्यास लगी तब आपने पानी पीना है। बस जब सुबह उठते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि बॉडी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है पानी की, तो उस वक्त आप खूब सारा पानी पी सकती हैं, कोई चक्कर नहीं। हाँ जी, ठीक है। और मैं हूँ भूल गया की पूछना से कहीं। तो प्रॉब्लम क्या, मतलब आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या कुछ और भी है? हाँ जी, पिगमेंटेशन तो सीगी, मेरा फर्स्ट बेबी जो होया सीगा उदो हो गई सीगी शुरू, उदो बाद कदी हो गया, 9 साल का हो गया बड़ा बेटा। 9 साल हो गया। अच्छा, हाँ जी, तो कदी ठीक हो जाती है कदी नहीं, एदा ही चलता रहता। नहीं, तुसी डाइट फॉलो करो प्रॉपर तरीके ना, ठीक है? फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखो, कोई टेंशन लोंशन तो नहीं लेंदे या कोई दवाई वगैरह तो नहीं चलदी तुहाडी? नहीं, वो सर्जरी हुई सी उदो एंटीबायोटिक दित्तिया ही गया डॉक्टर ने। अच्छा, तो ओही लै रही सीगी। फिजिकल एक्टिविटी केहो जी तुहाडी? मैं ज़ुम्बा करनी आ घर ही, क्योंकि इत्थे जिम वगैरह सारियां बंद हो गया सी गया लॉकडाउन। वॉक वगैरह कर सकदे हो रोज डेली वॉक कर? हां जी, वॉक ते मैं करनी है, जिद्दां रात नु डिनर मैं कर देनी है 6-7 बजे ते अंदर डन कर देनी है, ओदो बाद फिर वॉक ते चल जाईदा। ठीक है ठीक है। दो टाइम तुसी हाफ एन आवर करके वॉक कर सकदे हो, मॉर्निंग इवनिंग जदों भी टाइम मिले ते। हां जी, ओदे नाल देखो फर्क पाएगा, क्योंकि जद जिन्नी फिजिकल एक्टिविटी वधेगी बॉडी नु ओनी भूख लगेगी, ते फिर ओना ही तुसी हेल्दी डाइट लेनी है ते ठीक हो जाना बस। जी ठीक है। ते सप्लीमेंट इत्थे मैं वो ओमेगा 3 जिदा ले सकनी आ? बिल्कुल ले सकते, देखो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं, ओमेगा 3 हो गया, वे प्रोटीन हो गया, मल्टी विटामिन हो गया, ये चीजा ले लो, जब तक इशू है मैं तो कहना तुसी चीजा लो, इना दा कोई नुकसान नहीं हैगा। पर इत्थे मैं देखया ओ जदो मैं फिश ऑयल वाले कैप्सूल लेनी, ओ 1200 वाले ही हुंदे ने, 3000 वाले कहंदे सी ना, ओही मिलदे ने ओ बड़े बड़े। कोई नहीं, तुसी 1200 वाले ले लो, कोई चक्कर इना कोई चक्कर नहीं। ओस ना डोजेज देखया करो, उना च लिखया होया जे दो सर्विंग जो तुसी देखोगे ना, 2 कैप्सूल लिखया होएगा या 1 कैप्सूल लिखया होएगा, एदा मतलब एक जे ता 2 कैप्सूल लिखया, फिर 2 कैप्सूल दा मतलब है 2 कैप्सूल लैण तों बाद तुहानू 1200 मिलना, ठीक है? एक एक करके तुसी ले सकते हो, तो उहदा कोई चक्कर नहीं हैगा, तुसी ले सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट हुंदी है 1000, पर जे तुहाडी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है अच्छा है फिर तुसी ज्यादा भी ले सकते हो, तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। ते नाले मैं एक पूछना सीगा भी अपना सन क्रीम फेस ते लगानी लगानी है रोज, जिद्दां भी मेरे ना फे ओहो तुसी धुप लगाना ना, जदों धुप उदो ही लगानी है सनस्क्रीन, उदां लाने दी लोड़ नहीं, उदां सनस्क्रीन बहुत हार्मफुल क्रीम हुंदी है। देखो जरा सन ब्लॉक कर दे कि हार्मफुल हो सकती है ना, लेकिन जो धुप्पे जाना उदो तुसी लानी, अदरवाइज लाने की कोई लोड़ नहीं।
ठीक है, मैं बच्चियां नहीं लगानी है क्योंकि मेरे बड़िया दी सूट नहीं करते और मेरे फेस से आई चू पानी निकलता रहता जो मैं लगावा ना दूजी। मैं ट्राई बहुत बार की पर ओह देर फिर मैंने छोटे बच्चियां नहीं लगानी पैंदी, अपने बच्चियां नहीं लगा लेनी। चलो तुहाडी स्किन सेंसिटिव होनी है तां करके शायद ते अपना रेटिनोल लगा सकते ना, रेटिनोल स्क्रीन जिदे च हुंदी है। देखो क्रीमा तुसी अवॉइड ही करो, सब तो वधिया तुसी एलोवेरा जेल ले लो, सब तो अच्छे अच्छी क्रीम है एलोवेरा जेल या कोकोनट ऑयल आंदा हैगा ए लगा सकदे हो, रोज वाटर आंदा है ए लगा सकदे, मुल्तानी मिट्टी आंदी ए लगा सकदे, ए चीज अच्छियां ने क्योंकि तुहाडे देखो कुछ भी लगाना ना स्किन ओनू अब्सॉर्ब कर लेगी, जितना केमिकल लाओगे केमिकल अब्सॉर्ब कर लेगी स्किन, ते नेचुरल चीजें लगाओ तो ठीक है। एलोवेरा जेल सब तो अच्छा मॉइस्चराइजर है ते ओ ला सकदे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच जी। कनाडा से आप लाइव आई हैं, चलिए किसी एक शख्स को और लाइव लेते हैं फिर हम सेशन का एंड करेंगे, मुझे एक से ऊपर हो गया है। चलिए